Hello friends, I, Dr. C.S. Prashant P. Patel, welcomes you in my YouTube channel PMP. तो friends, previous video में हमने start किया था risk management. This is the second part for that. कि भाई risk management के हमने अब तक character देख लिए, फिर उसके जो role है manager के वो देखे, हमने types of risk देखा, what are the objectives behind risk management वो हमने समझा. काफ़ी डिटेल में हमने समझा है कि एक बिज़नेस को रिस्क क्या होता है और उसका रिस्क मैनेजमेंट करा कैसे जाता है. क्लियर. कंपनियों में स्पेशली कुछ कंपनियों में तो डिपार्टमेंट होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, कि कुछ भी गलत हुआ वो तुरंत वहाँ पे पहुँच जाएंगे. तो रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बहुत कंपनियों में होते हैं. अब आपको एक शॉर्ट नोट में पूछ सकते हैं शायद, या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, 2 मार्क 4 मार्क, इट डिपेंड्स अपॉन योर पेपर, कि भाई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, ये जो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है. तो बेसिकली अगर उसके ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो वो 4 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं. बराबर. मतलब यार आप ऐसा कह सकते हो, आप फेजेस भी कह सकते हो कि भाई रिस्क मैनेजमेंट के फेज़ कौन से हैं, कौन से पड़ाव उसके अंदर आते हैं, व्हाट आर दी फेजेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, या तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, जो रिस्क मैनेजमेंट की कमिटी है वो 4 अलग अलग टुकड़ों में काम करती है. अगर हम उसका पूरा काम जो है, जनरली रिस्क मैनेजमेंट का काम क्या होता है, रिस्क आने से रिस्क ख़त्म होने तक सारा काम उसको संभालना है. जो भी रिस्क हमारी तरफ आ रहा है उसको कैसे ख़त्म करना है, उसको कैसे हैंडल करना है, और सब कुछ ख़त्म होने के बाद आपकी कंपनी रिस्क फ्री हो जानी चाहिए, ये पूरी एक्टिविटी उन्हें करनी पड़ती है. तो ये जो एक्टिविटी है उसको हम 4 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग फेजेस बना सकते हैं उसके, और उसे हम कहेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. तो सबसे पहले तो आप समझिए कि सबसे पहला फेज होता है रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट सेक्शन. क्लियर. ये सबसे पहला उनका फेज़ होता है कि जो भी रिस्क हमारी तरफ आ रहा है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको असेस कर सकते हैं, उसको जितना समझना चाहे समझ लेते हैं, उसके बारे में जो डेटा कलेक्ट कर सकते हैं वो कर लेते हैं, ताकि जब हम उसको सॉल्व करने बैठे तो उसके रिलेटेड हर एक जानकारी हमारे पास हो और हम आराम से पूरा रिस्क मैनेजमेंट कर सकें. तो सबसे पहला फेज़, सबसे पहला पड़ाव कौन सा होता है, रिस्क को आइडेंटिफाई करना. अब इसी को हम प्रीवियस वीडियो में जो एग्जाम्पल दिए थे उसको ही कंटिन्यू करते हैं, कि मेरी कंपनी चल रही है और मुझे लग रहा है मेरी तरफ 3 रिस्क आगे बढ़ रहे हैं. पहला रिस्क कौन सा है, मार्केट में कॉम्पिटिटर बढ़ते जा रहे हैं, मतलब मैं अभी अकेला बेचने वाला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं जो मेरे जैसा ही सामान बेचने वाले हैं. दूसरा रिस्क क्या आ रहा है मेरे पास, टेक्नोलॉजी चेंज होने वाली बहुत जल्दी, अफवाह फैल चुकी है कि नई मशीनरी आ चुकी है, तो बहुत जल्द 1-2 महीने के अंदर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी, तो मैं तब थोड़ा आउटडेट हो जाऊंगा, ये भी एक रिस्क है मेरे लिए. और तीसरा रिस्क मेरे लिए क्या आ रहा है, कि मैं जिस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ, मतलब जिस गवर्नमेंट को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, वो गवर्नमेंट इलेक्शन हार चुकी है और अब दूसरी गवर्नमेंट आके बैठ गई जो मुझे सपोर्ट करती नहीं है. अब ये 3 चीज़ों को मैं कैसे हैंडल करूँ. तो सबसे पहला फेज़ होता है, ये तीनों के बारे में आप जितनी माहिती इकट्ठा कर सको कर लीजिए, क्योंकि आप जितना रिस्क को जानोगे अच्छे से उतना आप उसको जल्दी सॉल्व कर पाओगे. ठीक है. दुश्मन को हराना होता है तो दुश्मन के बारे में जितना हो सके उतना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए. तो बस यहाँ पे भी आपको यही एक चीज़ करनी है, हो सके उतनी ज़्यादा आप क्या करिए, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए. चलिए, आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर दी, आपने अच्छे से उसको असेस कर दिया, फिर आपको क्या करना है, उसको नंबरिंग दे दीजिए, देना है तो कि भाई ये सबसे बड़ा रिस्क है, फिर ये थोड़ा मॉडरेट रिस्क है, ये थोड़ा लेस रिस्की है, या फिर तीनों ही नंबर 1 पे रख दीजिए कि भाई तीनों एक साथ जल्दी से जल्दी सॉल्व, एज यू विश. आप रिस्क को प्रायोरिटी अपने हिसाब से दे दीजिए. फिर काम होता है आपका सेकेंड स्टेप का. अब आप दूसरे पड़ाव में आ गए हो, रिस्क रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजी सेक्शन. अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपने रिस्क को जान लिया है, एक बार आप अपने टॉप लेवल से कम्युनिकेट कर लीजिए. क्लियर. रिपोर्टिंग तो आपको करना ही पड़ेगा, क्लियर, इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि ऐसा, क्योंकि वो लोग आपका बजट पास करेंगे,
जो भी रिस्क के सामने लड़ने के लिए आपको पैसे चाहिए या आपको कोई असेट चाहिए या आपको कोई टूल्स चाहिए, वो सब कुछ प्रोवाइड कौन करने वाला है, फंडिंग कौन करने वाला है, टॉप लेवल। तो एक बार आप उनसे कंसर्न कर लीजिए, सर ऐसे ऐसे रिस्क है, हम और उनको प्लान भी बता दीजिए, क्लियर, उनके साथ बैठ के स्ट्रेटेजी बना दीजिए कि ऐसे हम इस रिस्क को सॉल्व करेंगे, मतलब कॉम्पिटिटर वाला रिस्क जो है वो हम ऐसे सॉल्व करेंगे, फिर बात करते टेक्नोलॉजी वाला तो उसका रिस्क कैसे, पूरा स्ट्रेटेजी बनाइए, क्लियर। और बहुत सारे प्लान रखिए, ऑप्शन रखिए, प्लान ए प्लान बी, और जो आपके लिए सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट हो उसे आप सिलेक्ट कर दीजिए और फिर उसके ऊपर काम करना चालू कर दीजिए। जैसे कि कॉम्पिटिटर, देखिए ये सबको एक ही एंगल से हम हरा सकते हैं, कैसे, तो अभी मेरे पास पुरानी मशीनरी है, ये मेरी स्ट्रेटेजी है, दूसरे लोग अलग तरीके से भी सोच सकते हैं। बींग अ रिस्क मैनेजर, मैं कुछ ऐसा सोचता कि भाई कॉम्पिटिटर मार्केट में आ रहे ना, तो एक काम करता हूँ मैं मेरी पुरानी मशीनरी से ना पूरा प्रोडक्शन कर देता हूँ, जितना भी मेरे पास रॉ मटेरियल है, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पड़ा रहेगा। अब पूरा प्रोडक्शन करने के बाद मैं मार्केट में इतना सारा सेल कर दूंगा, इतना सारा सप्लाई कर दूंगा कि जो नए कॉम्पिटिटर आ रहे हैं उनके पास कोई माल खरीदने ही नहीं जाएगा, क्योंकि सबके पास पहले से पड़े हो गए। तो एक प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई। अब इसी से मेरी दूसरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, क्या, टेक्नोलॉजी वाली। क्यों, इतना सारा मैंने प्रोडक्शन किया, मतलब मैंने पुरानी मशीन को फुल यूज़ कर दिया जो मुझे करना चाहिए था, और अब नई मशीनरी जब आएगी मार्केट में, मैं 2 महीने बाद भी लूँ तो भी मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने 4-5 महीने का प्रोडक्शन एक साथ कर दिया है, मतलब भले ही मेरी मशीन आउटडेटेड हो चुकी है पर उसने अपना काम कर दिया। तो ये भी एक प्रॉब्लम, एक ही एक तीर दो निशान हो गए। अब जो नया कॉम्पिटिटर आया, सॉरी गवर्नमेंट आई है मार्केट में, उसको थोड़ा मनाने के लिए मैं थोड़ा फंडिंग कर दूंगा कि भाई आप भी फंड रखो, पर आप मुझे प्रॉब्लम क्रिएट मत करो, मेरे लिए तो सभी पार्टी इक्वल है, मैं बिजनेसमैन हूँ, जो आए उसको संभालना है मुझे, क्योंकि वो भी मुझे संभालेंगे। तो ये मैंने क्या कर दिया, स्ट्रेटेजी बना दी। तो कुछ लोग स्ट्रेटेजी बनाने वाले होते हैं, एक्सपर्टाइज होते हैं, वो लोग सिर्फ यही काम करते हैं, बरो रिस्क मैनेजमेंट जो कमिटी होती है, टीम होती है, तो उसमें एक ही बंदा सब कुछ नहीं करता, 3-4 जन होते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं, असेस करते हैं, फिर वो फाइल आगे बढ़ती है स्ट्रेटेजी सेक्शन में, वहाँ पे स्ट्रेटेजीज बनती है टॉप लेवल के साथ बैठ के। चलिए आपने सारी स्ट्रेटेजी बना दी, प्लान ए बी, अगर ए प्लान काम नहीं होता तो बी प्लान, बी प्लान नहीं आता तो सी प्लान, स्ट्रेटेजीज आपके पास है, आज नहीं तो कल आप वो रिस्क को हरा दोगे। अब आपको क्या करना है, थर्ड पॉइंट आता है, थर्ड सेक्शन आ गया, इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सेक्शन। अब जो स्ट्रेटेजी बनाने वाली सेक्शन है वो फाइल को आगे बढ़ाएगी, और जो लोग काम करने वाले हैं वो स्ट्रेटेजी पे इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देंगे, मार्केटिंग वाले मार्केटिंग इतना बड़ा करेंगे कि सब आपका प्रोडक्ट खरीद ले अभी से। तो मतलब अब जो स्ट्रेटेजी बनी है वो पूरी कंपनी को मिलके उसको इम्प्लीमेंट करना है, और जो रिस्क डिपार्टमेंट है उसके ऊपर मॉनिटरिंग भी करेगा कि जैसा मैंने बोला था सब वैसा कर रहे ना, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट कमेटी सिर्फ प्लान बनाती है, इम्प्लीमेंट करने के लिए तो पूरी कंपनी के सारे एम्प्लॉय की ज़रूरत है, तो वो मॉनिटरिंग करेंगे कि सब कुछ हमारे हिसाब से चल रहा है, कुछ गलत हो रहा होगा तो जैसे ही उसको लगे कुछ गलत हो रहा है तो प्लान ए कैंसिल कर देगा, प्लान बी इम्प्लीमेंट कर देगा, क्योंकि उसके पास बैकअप भी बहुत सारे हैं, क्लियर। तो मॉनिटरिंग करता रहेगा कि मेरे हिसाब से सब कुछ बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और फाइनली फोर्थ स्टेप आता है, और मतलब चौथा जो सेक्शन होता है वो होता है डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड मेंटेनेंस सेक्शन। अब ये लोग क्या करते हैं, जो आगे सब कुछ हुआ उसका पूरा रिकॉर्ड रखेंगे ताकि फ्यूचर में वो काम आए, इतना पैसा खर्च हुआ, इतना करने के बाद हमें फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ, एक एक चीज़ का, पैसों का, कितनी एसेट यूज़ हुई उसके लिए उसका हिसाब करेंगे, कितना टाइम लगा वो भी रिकॉर्ड करेंगे सब कुछ, कितना मैन पावर लगा वो भी यूज़ करेंगे, हर एक चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन होगा। रिकॉर्ड मेंटेन करने से क्या होगा, एक तो कंपनी को पता चलेगा कि ये चीज़ हमें परवड़ रही है कि नहीं परवड़ रही है, बराबर, हमारी कॉस्ट बढ़ तो नहीं जा रही है, वरना तो उससे अच्छा तो रिस्क को आने दो अगर कॉस्ट बढ़ जा रही है तो। दूसरा कि भाई सब कुछ बराबर है, कंट्रोल है, ये सब कुछ रिकॉर्ड देखने से पता चल जाता है, क्लियर। फ्यूचर में जब कोई प्रॉब्लम आएगी तो ये रिकॉर्ड काम आने वाले हैं आपको, इसको रिकॉर्ड देख के कोई क्या पता फ्यूचर में आप कोई डिसीजन ले पाओ, तो डॉक्यूमेंटेशन इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड। तो ये 4 सेक्शन होते हैं रिस्क मैनेजमेंट की कमिटी में,
क्लियर, कि भाई इस चार सेक्शन का काम अलग अलग है, हर एक सेक्शन में अलग अलग एम्प्लॉई होंगे, अपने हिसाब से काम करते होंगे जैसे उनको काम मिलता है। क्लियर, तो आपको ये शॉर्ट नोट में पूछ सकते हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। तो आप सबसे पहले तो क्या करिए, रिस्क की डेफिनेशन लिखिए। अब सर रिस्क की डेफिनेशन क्या है, तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस कर दी थी कि रिस्क की डेफिनेशन क्या है, वो आप लिखिए। फिर रिस्क मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखिए, उसके बाद आप बॉक्स बना दीजिए, बॉक्स का हेडिंग डालिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, और उसके अंदर ये सारे पॉइंट लिख डालिए। फिर वन बाय वन हर एक पॉइंट के बारे में पाँच छः लाइन लिख दीजिए, आपका आंसर आराम से 2 पेज जितना हो जाएगा, और 4 मार्क में 2 पेज इनफ है। क्लियर, तो आप ऐसे आंसर लिख सकते हो। अगर आपको ज़्यादा मार्क्स में आता हो तो फिर उस हिसाब से थोड़ा लेंथ बढ़ा दीजिए, कम आता हो तो लेंथ कम कर दीजिए। क्लियर, 4-4 लाइन एक्सप्लेन करने के लिए 2-2, 3-3 लाइन एक्सप्लेन कर दीजिए, दैट विल बी ऑल्सो इनफ। मतलब जैसा मार्क्स वैसा आप अपना क्वांटिटी भी मैटर करेगा, तो उस हिसाब से आप चेंज कर दीजिए। तो आई होप सो बेटा ये क्वेश्चन आपको एटलीस्ट समझ में आया होगा, अगर नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हो, आई विल रिप्लाई ऑन दैट। चलिए बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, पर्सनल वर्सेस कॉरपोरेट रिस्क मैनेजमेंट। देखिए हम जो पढ़ रहे ना, वो एक बिजनेसमैन या मतलब बिजनेस या तो फिर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं कि भाई जो कंपनी को रिस्क आता है या कोई बिजनेस को रिस्क आता है, तो वो कंपनी या वो फिर वो बिजनेस कैसे रिस्क के सामने लड़ता है। वैसे ही सेम हमारी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे रिस्क होते हैं, बहुत सारे टेंशन हमें होता है, कभी झगड़ा हो जाता है, कभी जो कोई चीज़ हमने जो सोची थी वैसे नहीं होती, हमारा जो करियर का प्लान है वो बरोबर से नहीं चल रहा है। तो देर आर लॉट्स ऑफ इश्यूज, देर आर लॉट्स ऑफ रिस्क इन आवर लाइफ, और वो हम धीरे धीरे सॉल्व भी करते हैं, हम कभी हार नहीं मानते। क्लियर, आज नहीं तो कल वो रिस्क हट जाएगा और हम जीत जाएंगे। रिस्क आता है जाता है, सेम वे कंपनियों में भी ऐसा होता है, कोई भी रिस्क आता है जाता है, अगर आप तब टिक गए तो कंपनी चल पड़ेगी। लाइफ में भी ऐसा है, कोई रिस्क आया आप उसके सामने लड़ने को तैयार हो, आज नहीं तो कल वो रिस्क चला जाएगा। क्लियर, तो दोनों में रिस्क होते हैं, तो उसका रिस्क मैनेजमेंट भी होता होगा। तो यही हमें पढ़ना है, डिफरेंस बिटवीन पर्सनल रिस्क एंड कॉरपोरेट रिस्क मैनेजमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं इफेक्ट ऑफ रिस्क, पॉइंट नंबर 1 इज इफेक्ट। क्या लगता है आपको इफेक्ट कहाँ ज़्यादा होती होगी, कौन सा रिस्क ज़्यादा बड़ा होता होगा? तो ऑलवेज रिमेंबर, कॉरपोरेट रिस्क का जो इफेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू पर्सनल रिस्क मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि देखिए पर्सनल में कैसा होता है, वो रिस्क सिर्फ आपको अफेक्ट करेगा, क्लियर, और वो उतना बड़ा नहीं होगा, आप लड़ लोगे उससे कोई आपको उतना बड़ा, हाँ शायद थोड़ा बहुत नुकसान हो, लेकिन हर बार वो रिस्क वैसे नहीं होते, क्लियर, कि आपको फिनेंशियल डिसएडवांटेज हो, बहुत कम केस में ऐसा होगा कि आपको फिनेंशियल रिस्क हो। लेकिन कॉरपोरेट रिस्क, उसकी इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगी, ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी बंद हो जाए और हजारों लाखों लोगों की नौकरियाँ चली जाए। क्लियर, तो कॉरपोरेट रिस्क मैनेजमेंट की इफेक्ट हाई होती है एज़ कम्पेयर टू पर्सनल। क्लियर, दोनों में इफेक्ट होती है, लेकिन पर्सनल हैव लेस और माइनर इफेक्ट, जबकि कॉरपोरेट इज़ हैविंग अ ह्यूज इम्पैक्ट और इफेक्ट ऑफ रिस्क। सेकेंड वन इज अपॉइंटमेंट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट मैनेजर। देखिए हमारे पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम हम खुद सॉल्व करते हैं, कभी ऐसा सोचा है कोई एक बंदा अपने साथ किसी को अपॉइंट करके रखता है कि यार मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम आई सॉल्व कर दे? नेवर। क्लियर, वो हम खुद करते हैं, जो भी प्रॉब्लम आती है उसको हम खुद सॉल्व करते हैं। तो पर्सनल रिस्क में कोई भी रिस्क मैनेजर की ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन कॉरपोरेट में उसके लिए तो सेपरेट डिपार्टमेंट बनाने पड़ते हैं, रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। तो कॉरपोरेट रिस्क जो है वो कोई छोटा मोटा रिस्क नहीं है, उसको सॉल्व करने के लिए एक्सपर्टाइज लोग चाहिए, तो हमें मैनेजर अपॉइंट करने पड़ते हैं, रिस्क मैनेजर होता है कॉरपोरेट रिस्क मैनेजमेंट में। नेक्स्ट वन इज लेंथ ऑफ प्रोसेस। देखिए पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स जो होती है ना, वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 महीने के अंदर हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, 1 महीने तो बहुत कम प्रॉब्लम चलती है, 15-20 दिन में जनरली हम सॉल्व कर देते हैं, और उसके लिए कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद के दिमाग में प्लान बनाते हैं, उस हिसाब से हम प्लान काम करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। फिर लाइफ में दूसरी प्रॉब्लम आती है, हम दिमाग में उसको भी कैसे लड़ना है वो बना देते हैं। मतलब हमें किसी की कभी सोचा है परमिशन लेने जाते हैं किसी की? ऐसा कभी नहीं होता। आज मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो मैं क्या किसी और की परमिशन लेने जाता हूँ कि यार मेरे लाइफ में प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूँ, फिर वो मुझे परमिशन दे, हाँ कर दे तो मैं करता हूँ? नहीं होता।
क्लियर। उसकी प्रोसेस बहुत छोटी है, खुद ही नक्की करना है, खुद ही डिसीजन लेना है, खुद ही इम्प्लीमेंट करना है, खुद का रिकॉर्ड खुद ही मेंटेन करना है, कुछ नहीं, सब कुछ ब्रेन के अंदर है। क्लियर, ये सब कुछ खुद ही करना है आपको, अकेले ही करना है, तो उसमें कोई लंबी प्रोसेस नहीं चलती। फटाफट आता है रिस्क, फटाफट चला भी जाता है। लेकिन कॉरपोरेट रिस्क, ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस है। आपको लग रहा है रिस्क आ रहा है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी टॉप लेवल से, स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेगी अलग अलग, फिर उनको जो स्ट्रेटजी पसंद आएगी उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। अगर वो प्लान नहीं चलता तो प्लान बी बैकअप में, मतलब काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है क्योंकि इसमें पैसों का मैटर है, बहुत ज़्यादा पैसों का मैटर है। तो इसकी प्रोसेस जो होती है रिस्क मैनेजमेंट की, वो थोड़ी लेंथी होती है, हाँ लेकिन इफ़ेक्टिव भी उतनी ज़्यादा होगी। क्लियर, बड़े लेवल पे हो रही है तो। नेक्स्ट वन इज़ अप्रोच। अब यहाँ पे अप्रोच यानी क्या, कि भाई हम जब पर्सनल रिस्क को सॉल्व करते हैं तो क्या हम लोगों के लिए सॉल्व कर रहे हैं कि भाई मैं मेरी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा तो समाज को फ़ायदा होगा? नहीं, वो खुद के लिए हम करते हैं, खुद की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, खुद की लाइफ को ठीक करने के लिए हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। तो जब पर्सनल रिस्क मैनेजमेंट होता है तो वो सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच होता है, मतलब खुद के लिए होता है, जबकि कॉरपोरेट वो सेल्फ सेंट्रिक नहीं होता, वो सोसाइटल सेंट्रिक, या तो हम कह सकते हैं एथिकल और मोरल अप्रोच के साथ चलता है। मतलब जब कॉरपोरेट रिस्क मैनेजमेंट होता है तो कंपनी सिर्फ अपना नहीं सोचती, अपने साथ जुड़े हुए हर एक का सोचती है, कस्टमर, क्रेडिटर, सप्लायर, इन्वेस्टर्स, सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स है, सब कुछ, बराबर। तो इट इज़ अ वाइडर अप्रोच, इसमें मोरल आ जाते हैं, एथिक्स आ जाते हैं, सब कुछ आता है, सोसाइटी बेनिफिट्स आ जाते हैं, देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स इन कॉरपोरेट रिस्क मैनेजमेंट। तो अगर अप्रोच की बात करें तो पर्सनल रिस्क मैनेजमेंट एक नैरो अप्रोच है, जबकि एक वाइडर अप्रोच है। नेक्स्ट वन इज़ सेपरेट डिवीजन। पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई सेपरेट डिवीजन नहीं होता। कभी देखा है कि आपका 2 BHK का घर है जिसमें और एक आपने रूम बना दिया जिसमें आपकी टीम बैठती है कि मेरे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए आप सॉल्व कर देना। पर्सनल लाइफ में कोई होता ही नहीं डिपार्टमेंट जैसा, कोई डिवीजन नहीं होता रिस्क मैनेजमेंट, आप ही खुद एक डिवीजन हो, आपका प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व करो, पर्सनल में आपके अलावा और कोई सॉल्व नहीं करने वाला, उसके लिए तो उसका नाम ही है पर्सनल। लेकिन कॉरपोरेट उसमें तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ है जिसमें से कुछ पर्टिकुलर डिवीजन बनते हैं कि यही लोग रिस्क को संभालेंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट अगर कॉरपोरेट की बात करें तो वहाँ पे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बनते हैं रिस्क मैनेजमेंट के लिए। देन आफ्टर कॉरपोरेट गवर्नेंस। देखिए कॉरपोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, नीति नियमों का पालन करना। सरकार ने जो नीति नियम लॉ बनाए होते हैं, कंपनी लॉ या तो फिर इड्रा या तो फिर कंपटीशन एक्ट, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, देर आर लॉट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड एक्ट, लॉ बहुत सारे बने, सिविल लॉ बने, क्रिमिनल लॉ बने हुए, तो सभी का पालन होना चाहिए। लेकिन जब हम पर्सनल रिस्क मैनेजमेंट करते हैं तो उतना ज़्यादा कॉरपोरेट गवर्नेंस पे फोकस नहीं करते। क्लियर, कॉरपोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, सब डिसिप्लिन को मेंटेन करना, क्लियर, कोई कानून ना तोड़ना, वो सब, दैट इज़ कॉल्ड कॉरपोरेट गवर्नेंस। तो पर्सनल रिस्क में हम कौन सा ये सब कानून ध्यान रखते हैं, बस हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। तो पर्सनल रिस्क मैनेजमेंट जब होता है तब कॉरपोरेट गवर्नेंस को हम इग्नोर करते हैं, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर पर्सनल रिस्क मैनेजमेंट। लेकिन जब कंपनी की बात आती है तब, तो कंपनी रिस्क को सॉल्व करना चाहती है तो उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि रिस्क सॉल्व करते करते उससे कोई लॉ ब्रेक ना हो जाए, क्योंकि वो ब्रेक हो गया तो कंपनी पे पेनल्टी लगेगी बहुत ज़्यादा। क्लियर, कंपनी की इमेज ख़राब होगी। तो कॉरपोरेट जब रिस्क मैनेजमेंट होता है तो कॉरपोरेट गवर्नेंस को फोकस किया जाता है कि भाई जब भी आप रिस्क को सॉल्व कर रहे हो, वी हैव टू फोकस ऑन, वी ऑल्सो मीन्स वी मस्ट रिक्वायर फोकस ऑन कॉरपोरेट गवर्नेंस ऑल्सो। क्लियर, तो ये कुछ पॉइंट थे, और भी पॉइंट है नो डाउट डिफरेंस में, तो आई होप सो यहाँ तक आपके सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप आगे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। देन मूव फर्दर टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, और क्या क्या डिफरेंस है पर्सनल रिस्क मैनेजमेंट और कॉरपोरेट रिस्क मैनेजमेंट में। तो नेक्स्ट वन इज़ ऑब्जेक्टिव्स। अब ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कहा जाए तो जब हम बात करते हैं पर्सनल रिस्क मैनेजमेंट को सॉल्व करने की, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है कि लाइफ स्मूथ हो जाए हमारी,
क्लियर, हम सेल्फ सेंट्रिक ऑब्जेक्ट के साथ चलते हैं, मतलब हमारे जो ऑब्जेक्ट है ना वो किसको प्रोटेक्ट करने के लिए रिस्क मैनेजमेंट कर रहा है, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्लियर, रिस्क मैनेजमेंट क्यों हो रहा है, प्रोटेक्ट करने के लिए, किसको, जिसके ऊपर रिस्क आ रहा है। तो यहाँ पे पर्सनल रिस्क किसके ऊपर आ रहा है, खुद पे ही आ रहा है। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, खुद को उस रिस्क से प्रोटेक्ट करना। जबकि कॉरपोरेट रिस्क मैनेजमेंट के ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, वहाँ पे कंपनी को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन खुद को भी, सोसाइटी को भी, कस्टमर को भी, सप्लायर को भी, क्योंकि ये सभी को इफेक्ट होने वाला है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो होता है वो वाइडर टर्मिनोलॉजी में होता है। यहाँ पे सिर्फ आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं, बल्कि आपके सारे स्टेक होल्डर्स जो है उनको प्रोटेक्ट करने का आप ऑब्जेक्ट लेके चलते हो। नेक्स्ट वन इज डाइवर्सिफिकेशन एंड बैलेंस पोर्टफोलियो। देखिए, जनरली हमारी लाइफ में पैसों का रिस्क आता है तो हम क्या करते हैं, हमारी जो सिक्योरिटीज़ होती है, जैसे कि हम कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग VC में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी या डिबेंचर, कुछ लोग बैंक में FD करवाते हैं। क्लियर, हर कोई लाइफ में पैसों की बचत करता है अपने हिसाब से, और जैसे ही प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करते हैं, उन पैसों का इस्तेमाल करते हैं, मतलब हम डाइवर्सिफाई करते हैं पैसों को। अब तक हमारे सारे पैसे कहाँ जा रहे थे, इन्वेस्टमेंट में जा रहे थे, सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहे थे, बैंक में इन्वेस्ट कर रहे थे, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे थे। अब जैसे ही रिस्क आया तो जो पैसों का फ्लो था वो बदल गया, हम लोग अब तक सिक्योरिटी की तरफ बढ़ रहे थे, अब दूसरी तरफ बढ़ रहे हैं। तो पर्सनल रिस्क को हम डाइवर्सिफाई करते हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन माइनर लेवल पे। कॉरपोरेट में भी सेम स्ट्रेटेजीज होती है, कॉरपोरेट में जब रिस्क आता है तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट किया होता है, कोई बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया होता है, कोई लैंड इन्वेस्टमेंट किया होता है, कोई मार्केट इन्वेस्टमेंट किया होता है, तो वो भी पैसों को डाइवर्सिफाई करते हैं। लेकिन वो जो होता है वो बड़े लेवल पे होता है, ह्यूज लेवल पे होता है डाइवर्सिफिकेशन। लेकिन दोनों करते हैं अपने अपने रिस्क को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट वन इज रोल ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बहुत मैटर करता है जब रिस्क की बात करते हैं। अब देखिए, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, पहले वो कंसेप्ट क्लियर करिए। क्लियर, हालांकि वो कॉन्ट्रैक्ट्स को समझने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको सिर्फ पॉइंट समझना हो तो उतना दिमाग में रखिए कि पर्सनल रिस्क मैनेजमेंट जब करते हैं तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट उतना कोई मेजर रोल प्ले करता नहीं है, लेकिन जब कॉरपोरेट रिस्क की बात आए तो वहाँ पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बहुत मैटर करता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, पैसों की लगती चीज़ है, तो पर्सनल लाइफ में हर बार प्रॉब्लम पैसों की नहीं आती, कभी रिलेशन की आती है, कभी सिचुएशन की आती है, तो वहाँ पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का क्या काम है, कुछ नहीं। हाँ, फिनेंशियल रिस्क आया पर्सनल लाइफ में तो शायद फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट काम आए, और वैसे कितने होते, बहुत कम लोग होते हैं। बाकी जनरली हम सबकी प्रॉब्लम क्या होती है, रिलेशन या तो फिर और कोई सिचुएशन। जबकि कॉरपोरेट में जो रिस्क होता है वो क्या होता है, कॉरपोरेट में रिस्क हमेशा पैसों का ही होता है, तो वहाँ पे तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ही काम आते हैं। क्लियर, तो ये आप पॉइंट समझ लीजिए कि भाई पर्सनल रिस्क मैनेजमेंट में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट उतना कोई मेजर रोल नहीं प्ले करता, जबकि कॉरपोरेट रिस्क में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि कॉरपोरेट में कोई पर्सनल इमोशनल रिस्क नहीं होता, उसमें सिर्फ पैसों का ही रिस्क होता है, मनी रिस्क होता है, तो वहाँ पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट काम आते हैं। क्लियर, तो ये आप पॉइंट समझ गए। अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा एक एग्जांपल देता हूँ, वो कुछ काम का नहीं है इसमें, लेकिन मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ। भाई समझो, आज मैं गेहूँ खरीदने जाऊँ जो 100 रुपये के है, मुझे पता है वो 150 रुपये भाव होने वाला है, तो मैं क्या करूँगा, आज के आज खरीद लूँगा, लेकिन आज तो मेरे पास 100 रुपये है ही नहीं, कहाँ से खरीदूँगा, तो मैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दूँगा कि 15 दिन में आऊँगा, 100 रुपये दूँगा, गेहूँ लेके जाऊँगा। फिर 15 दिन बाद मैं गया, भाव 150 रुपये हो चुका है, फिर भी वो मुझे 100 रुपये में ही देगा, क्यों, हमने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है। तो देखिए कितना बड़ा रिस्क मेरे लिए टल गया, जो चीज़ मुझे 150 में अभी बिक रही है वो मुझे 100 में मिल रही है। क्लियर, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करने से फ्यूचर में बड़ा जो इन्फ्लेशन आएगा, जो तेज़ी आएगी, उसके वजह से मुझे महंगाई सहन करनी पड़ेगी, तो नहीं करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो अभी से मैं लड़ रहा हूँ। तो कॉरपोरेट रिस्क, कॉरपोरेट वाले यही करते हैं, अपने जो सप्लायर होते हैं उनसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ताकि कल उठ के भाव बढ़ जाए ना तो भी उनको फ़ायदा होगा। सर लेकिन भाव कम हो गया तो कोई बात नहीं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देंगे, नहीं खरीदना है, जा तेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, क्योंकि कैंसिल करने का पावर हमारे पास होता है
फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के कंपनी के पास होता है, तो ये एक चीज़ है। फिर तो आप समझिए लॉजिकली, और ज़्यादातर भाव बढ़ते ही है जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, कम होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। एंड लास्ट वन इज एक्सपर्ट ओपिनियन। क्या पर्सनल रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए आपको कोई एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत पड़ती है? नहीं पड़ती। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने कोई फ्रेंड या रिलेटिव को पूछेंगे, बट दे आर नॉट एक्सपर्ट। एक्सपर्ट इन सेंस क्वालिफिकेशन वाले, नॉलेज वाले, उनको एक्सपीरियंस है लाइफ का, उसके थोड़ा बहुत हम पूछ लेते हैं। बाकी कभी कभी तो हम वो भी नहीं पूछते, हम बिना ओपिनियन के हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। क्लियर? हर बार किसी को पूछने नहीं जाते कि यार ये प्रॉब्लम है। समय समय बीतता जाता है, हम प्रॉब्लम खुद सॉल्व करना सीख जाते हैं। लेकिन कॉरपोरेट रिस्क मैनेजमेंट जब होता है, क्योंकि ये तो पैसों का है, तो हम बहुत सोच समझ के अच्छे से एक्सपर्ट्स, क्वालिफाइड लोग, एक्सपीरियंस लोग, नॉलेज, स्किल और टैलेंट वाले लोगों को लेके चलते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर? तो ये थे कुछ पॉइंट। क्लियर? टोटल 10 जितने पॉइंट थे, पर्सनल रिस्क मैनेजमेंट वर्सेस कॉरपोरेट रिस्क मैनेजमेंट। क्लियर? तो आप आंसर लिख सकते हो अपने हिसाब से। अब यहाँ पे आपके हाथ में आपको डिफरेंस कैसे लिखना है। डिफरेंस बिटवीन लिखने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन आप जो स्कूल टाइम से करते आ रहे हो, कि आप तीन कॉलम बना दीजिए, पॉइंट, फिर सेकेंड कॉलम बनाइए पर्सनल रिस्क मैनेजमेंट, और थर्ड कॉलम बनाइए कॉरपोरेट रिस्क मैनेजमेंट। पॉइंट में पॉइंट लिख दीजिए और उसके सामने दोनों के एक्सप्लेनेशन दे दीजिए। ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड हुआ डिफरेंस लिखने का। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बिंग पीजी स्टूडेंट या प्रोफेशनल स्टूडेंट, आपको डिफरेंस कॉलम वाइज नहीं बल्कि पैराग्राफ वाइज लिखना चाहिए। पैराग्राफ मीन्स व्हाट? मैं ऐसे लिखूंगा पॉइंट नंबर, मतलब कोई कॉलम ड्रॉ नहीं करूंगा, मैं जस्ट पैराग्राफ में आंसर लिखूंगा। पॉइंट नंबर वन, इफेक्ट ऑफ रिस्क। फिर एक लाइन छोड़ के एक पैराग्राफ लिखूंगा कि इन पर्सनल रिस्क मैनेजमेंट द रिस्क इफेक्ट ऑफ रिस्क इज टू लेस और लो एज कंपेयर टू कॉरपोरेट रिस्क मैनेजमेंट। फिर एक लाइन छोड़ के लिखूंगा, एज सच कॉरपोरेट रिस्क मैनेजमेंट कंसर्न द इफेक्ट ऑफ रिस्क इज टू हाई बिकॉज इट इज अ मॉनिटरी रिस्क। सो एज कंपेयर टू पर्सनल रिस्क मैनेजमेंट, ओवर हियर रिस्क इज वाइडर और ह्यूज। फिर एक लाइन छोड़ के पॉइंट नंबर टू लिखूंगा, अपॉइंटमेंट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट मैनेजर। तो फिर उसके अंदर एक लाइन छोड़ के मैं फिर से पैराग्राफ करूंगा, लिखूंगा इन पर्सनल रिस्क मैनेजमेंट वी डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ पर्सनल रिस्क मैनेजर, वी ऑलवेज सॉल्व अवर प्रॉब्लम बाय अवर सेल्फ बिकॉज दिस प्रॉब्लम्स आर नॉट दैट मच ह्यूज। फिर एक लाइन छोड़ के दूसरा पैराग्राफ लिखूंगा, इन कॉरपोरेट रिस्क मैनेजमेंट वी रिक्वायर अ रिस्क मैनेज। बस ऐसा ही सभी के बारे में पैराग्राफ लिखिए। और एक चीज़ याद रखिए, अगर आपने पहला पैराग्राफ पर्सनल रिस्क का रखा है तो हर बार पर्सनल रिस्क वाला पॉइंट ही पहले आएगा और उसके बाद कॉरपोरेट। अगर आपने कॉरपोरेट ऊपर रखा है तो हर बार हर एक पॉइंट में कॉरपोरेट ही ऊपर आएगा। तो ये दो तरीके होते हैं आप डिफरेंस बिटवीन लिखने के, आपको जो अच्छा लगे यूज़ करिए। मेरे हिसाब से पैराग्राफ वाला पैटर्न अच्छा है क्योंकि वो काफ़ी डिसेंट लगता है, बाकी आंसर तो सेम ही होगा। आप कॉलम में लिखोगे तो भी यही लिखने वाले हो, पैराग्राफ में लिखोगे तो भी यही लिखने वाले हो, पेज क्वांटिटी भी सेम ही होती है। आप कॉलम में लिखोगे तो भी उतने ही पेज भरे जाएंगे, आप पैराग्राफ वाइज लिखोगे तो भी उतने ही पेज होंगे। ठीक है? लेकिन वो कैसा होता है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है पैराग्राफ वाइज। तो एज यू विश, आपको जैसे डिफरेंस लिखना है आप लिख सकते हो। 7 मार्क्स में आता है पीजी में, प्रोफेशनल कोर्सेज में शायद 4 मार्क में आए। ठीक है? तो आप अपने हिसाब से उसको प्रिपेयर करिए, उस हिसाब से अपनी लेंथ बनाइए। टोटल 10 पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन पर्सनल एंड कॉरपोरेट रिस्क मैनेजमेंट। चलिए बेटा, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, दैट इज स्कोप ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। कि भाई रिस्क मैनेजमेंट के स्कोप क्या है, स्कोप यानी क्या कि इसके अंदर कौन सी एक्टिविटी या इन्वॉल्व होती है, या तो मतलब इसके अंदर क्या क्या समाया है, ब्रो कितना फैला हुआ है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, स्कोप, व्हाट आर द स्कोप्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। तो समझते हैं वन बाय वन कौन से स्कोप है। द फर्स्ट वन इज प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। सबसे पहला स्कोप क्या कहता है कि रिस्क मैनेजमेंट के अंदर प्लानिंग भी इन्वॉल्व होता है, उसका इम्प्लीमेंटिंग मतलब डिज़ाइन करना प्रोसेस को और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, ये सब कुछ मतलब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग वैसा। क्लियर? कि भाई इसके अंदर प्लानिंग होता है, रिस्क मैनेजमेंट विदाउट प्लानिंग कभी नहीं चलता। बरोबर? हम पूरा स्ट्रेटेजी बनाते हैं फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो
जहाँ तक रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस की एक बात है तो उसके अंदर क्या होता है, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द प्रोसेस। पहले प्लान होता है फिर उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, रिस्क मैनेजमेंट को रिस्क के सामने इम्प्लीमेंट किया जाता है। सेकेंड वन इज रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस। रिस्क मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है उसके अंदर आइडेंटिफिकेशन भी होता है और एनालिसिस भी होता है। हम हो सके उतनी ज़्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं किसके बारे में, जो आने वाला रिस्क है उसके बारे में, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको समझते हैं, उसके बारे में सब कुछ हम माहिती इकट्ठी करते हैं, जानते हैं। हम उसको जितना जानेंगे उतना फ़ायदा हमें ही होने वाला है। तो सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस। थर्ड वन इज़ असेसमेंट एंड प्रायोरिटाइजेशन ऑफ रिस्क। जब आप रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हो तो आपको सारे रिस्क असेस करने हैं, एक साथ 10-15 रिस्क भी आ सकते हैं, एक साथ 5 या 6 रिस्क भी आ सकते हैं, सिंगल रिस्क भी हो सकता है, 2-3 रिस्क भी एक साथ आ सकते हैं। तो आपको प्रायोरिटी देनी है कि कौन सा रिस्क मुझे पहले सॉल्व करना है। जो ज़्यादा डेंजरस होगा उसे हम पहले सॉल्व करने की ट्राई करेंगे ताकि वो नुकसान ज़्यादा ना करे, सिंपल सी चीज़ है, क्लियर। तो जैसे आप सोचते हो आपके बिजनेस के लिए जो अच्छी चीज़ है वो आप पहले करिए। तो आप असेस करिए और फिर उसको रैंक दे दीजिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, कि पहले मैं इसको सॉल्व करूँगा या पहले मैं एक साथ सबको सॉल्व कर दूँ, जैसा आपको। प्रायोरिटाइज करिए उसको कि भाई मुझे पहले किसको सॉल्व करना है। तो ये भी उसके अंदर पॉइंट आ जाता है। द फोर्थ वन इज एस्टैब्लिशिंग एंड क्वांटिफाइंग द रिस्क हैंडलिंग कैपेबिलिटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कि भाई आपको क्या करना है, क्वांटिफाई करना है और क्या करना है, साथ में एस्टैब्लिश करना है। क्या एस्टैब्लिश करना है आपको, कि आपकी रिस्क हैंडलिंग कैपेसिटी कितनी है। आपके सामने जो भी रिस्क आ रहा है उसके लिए आपको पैसा लगेगा, उसके लिए आपको असेट्स चाहिए बहुत सारे, उसके साथ कोई भी मतलब बहुत सारी तैयारियों के साथ आपको रिस्क के सामने लड़ना है। तो क्या वो तैयारी करने की ताकत आपके अंदर है, व्हाट आर योर कैपेबिलिटीज़। अगर आपके कैपेबिलिटीज़ नहीं है, बोलो ना, आप एक बड़ा हट्टा कट्टा एकदम बॉडी बिल्डर जैसा और एकदम पतला सा बंदा सामने खड़ा हो और दोनों लड़े, तो पक्का है कि वो पतला बंदा हार जाएगा। लेकिन उसके हाथ में एक ईंट दे दी जाए, एक पत्थर दे दिया जाए छुट्टा मारने के लिए, तो फिर वो बड़ा आदमी भी उससे डर के चलेगा। तो यहाँ पे उसकी कैपेबिलिटीज़ दिख रही है, क्लियर। तो रिस्क कितना भी बड़ा हो, आपके पास क्या कैपेबिलिटी है, आप उसको एस्टाब्लिश करिए, उसको क्वांटिफाई करिए, दिखाइए आप, मतलब गिनिए आप कि आपके पास क्या है लड़ने के लिए। आपने मूवी की सीन में देखा होगा, विलन गोलियाँ चला रहा है, हीरो गोलियाँ चला रहा है, हीरो की जो बुलेट्स है वो ख़त्म हो रही है, फिर वो मैगजीन बाहर निकाल के दिखता रहे मेरे पास 4 ही गोलियाँ है, तो फिर सोच समझ के गोलियाँ चलाता है। तो दिस इज़ द थिंग, आपकी कैपेबिलिटीज़ आप जानिए। फिर ऐसा ना हो कि आपके पास कोई ताकत ही नहीं और आप लड़ने निकल गए और वो रिस्क आपके ऊपर इतना हावी हो गया कि डबल फोर्स के साथ आपको इफेक्ट करके गया और आपका कॉरपोरेट जो था वो टोटली ख़त्म हो गया, आपकी कंपनी टोटली ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब भी आप रिस्क मैनेजमेंट करते हो, सबसे पहले आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को जानिए क्या है, फिर आप रिस्क के सामने लड़िए। नेक्स्ट देन आफ्टर प्रायोरिटिंग ऑफ रिस्क, ये जो आगे पॉइंट था वही आ गया कि आप रैंक दीजिए कि भाई कौन सा रिस्क मुझे पहले सॉल्व करना है, कौन सा बाद में सॉल्व करना है, क्लियर। उस हिसाब से आप प्रायोरिटाइज करिए। देन आफ्टर, ये कंटिन्यू पॉइंट है, भले ही आपको 1, 2, 3, 4, 5 दिखता हो लेकिन सेकेंड स्लाइड है तो फिर से 1, 2 आएगा, टोटल 9 पॉइंट्स है। द सिक्स पॉइंट इज इंक्लूजन ऑफ एक्सटर्नल रिस्क इन द कॉरपोरेट गवर्नेंस। जब आप रिस्क मैनेजमेंट करते हो तो एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी ध्यान में रख के करिए, बराबर। सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं, आपको कोई रूल ब्रेक ना हो। देखिए, रूल गवर्नमेंट ने बनाया है, बराबर, वो रूल आपको सोच समझ के ही रिस्क के सामने लड़ना है। ऐसा ना हो कि आप रिस्क को कम करने गए और उसके चक्कर में आपने बहुत सारे रूल ब्रेक कर दिए, मतलब आपने रूल ब्रेक किए मतलब आपने कॉरपोरेट गवर्नेंस को ब्रेक कर दिया। तो ऐसा ना हो, आप ध्यान रखिए, आप एक्सटर्नल चीज़ों को भी ध्यान में रखिए। रूल्स बने जो है, वो कानून जो बने हैं वो एक्सटर्नल है, तो वो ब्रेक नहीं होने चाहिए। वरना तो क्या होगा पता है, आप एक रिस्क को तो हरा दोगे लेकिन दूसरा रिस्क आपके सामने खड़ा हो जाएगा। कौन सा रिस्क, आपने लॉ ब्रेक किया है, आपने कॉरपोरेट गवर्नेंस को फॉलो नहीं किया है। तो जब भी आप रिस्क मैनेजमेंट करते हो तो एक्सटर्नल रिस्क को हमेशा ध्यान में रखिए, खासकर कॉरपोरेट गवर्नेंस। नेक्स्ट वन इज टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसी एंड हेल्थ सेफ्टी मेजर्स ऑलवेज, क्लियर। आप अपने स्टाफ जो है या अपने एम्प्लॉयज जितने भी है, क्लियर, खासकर जो लोअर लेवल पे काम करते हैं, जो मजदूर होते हैं,
ऑलवेज टेक इंश्योरेंस पॉलिसीज और हेल्थ सेफ्टी फॉर देम। क्यों? क्योंकि वो अपनी लाइफ आपकी कंपनी के लिए कुर्बान कर रहा है, यार कुर्बान तो नहीं कह सकते लेकिन वो आपके लिए काम कर रहे हैं, और उस काम करते वक्त कोई रिस्क आ गया, समझो मशीन में कोई खराबी आ गई और उसकी वजह से बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें उस वर्कर की क्या गलती थी, आपने मशीनरी अच्छी नहीं दी, क्लियर। तो बींग अ रिस्क मैनेजर या बींग अ पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, आपको ये भी एक चीज़ करनी है, क्या कि अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ है उनका सेफ्टी मेजर्स आपके हाथ में है, क्लियर। आप अपनी कंपनी के टॉप लेवल को कन्वेंस करिए और सभी का इंश्योरेंस दिलवा दीजिए। आप देखिए आज की तारीख में जो भी कॉरपोरेट्स, इवन कॉरपोरेट नहीं, अब तो टीचिंग फील्ड में भी आ चुका है कि वहाँ के जो ट्रस्टीज़ होते हैं या तो फिर वहाँ के जो टॉप लेवल वाले होते हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ का इंश्योरेंस खुद करवाते हैं और उनका प्रीमियम भी वो खुद पे करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएट बहुत सारी कंपनियाँ करती है, क्यों? क्योंकि ये भी तो एक रिस्क है। आप सिर्फ फिनेंशियल रिस्क मत देखिए, एम्प्लॉय रिस्क भी तो है, क्लियर। तो उनको भी खतरे में मत डालिए। रिस्क मैनेज, मैंने क्या कहा था, हज़ार तरीके के रिस्क होते हैं, तो ये एम्प्लॉय रिस्क भी आपके लिए ही है, वो आपकी असेट है, आपके एम्प्लॉयज़ आपकी सबसे बड़ी असेट है, तो उसको नुकसान होगा कैसे चलेगा, क्लियर। उसको तो होगा होगा, उसकी फैमिली को उसकी इफ़ेक्ट होगी, तो आप उसको भी संभालिए, वो मैनेज करने का काम भी आपका ही है, क्लियर। रिस्क मैनेजमेंट वहाँ तक सोचता है, अपने एम्प्लॉयज़ की फैमिली तक, सिर्फ अपना नहीं देखता वो। नेक्स्ट वन इज कैरी ऑन एंड ऑडिट अबाउट द कंप्लायंस ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड पॉलिसीज। भैया आप हमेशा अपने आपका चेकअप चेक कराइए, इंटरनल ऑडिट कराइए, एक्सटर्नल ऑडिट करवाइए, रूटीन ऑडिट कोई भी करवाइए, कुछ भी करवाइए कि भाई आप कोई कंप्लायंस तो ब्रेक नहीं कर रहे हो, कंप्लायंस यानी लॉ, क्लियर, कोई रूल्स रेगुलेशन तो फॉलो ब्रेक नहीं कर रहे हो, आप सब कुछ एथिकली कर रहे हो ना, सोसाइटी समाज को आपके वजह से कोई तकलीफ नहीं हो रही है, सारी स्टैंडर्ड्स सारे पॉलिसीज फॉलो हो रहे हैं, आपकी कंपनी कोई रूल ब्रेक नहीं कर रही है ना जानबूझ के या बाय मिस्टेक, अगर कर रही है तो उसको सुधार दीजिए। क्यों? ये भी रिस्क मैनेजमेंट का ही काम है, क्योंकि अगर कोई भी रूल बाय चांस ब्रेक हो गया जानबूझ के या बाय मिस्टेक, गवर्नमेंट तो पेनल्टी लगाएगी ही, वो ऐसा सोचेगा कि इसने जानबूझ के किया है, क्लियर, तो वो चीज़ और महंगी पड़ेगी, और ये भी तो एक रिस्क है, क्लियर। तो रिस्क मैनेजमेंट का काम यही है कि ऐसा रिस्क हम पे ना आए उसका ध्यान रखने का। जो रिस्क मैनेजमेंट की कमेटी होती है वो पूरा दिन कंपनी के एक एक एक्टिविटी पे ध्यान देती है कि कोई एक्टिविटी ऐसी तो नहीं है ना जो रूल ब्रेक करती हो। क्यों? क्योंकि हमें बिठाया उसके लिए गया कि कंपनी पे कोई रिस्क ना आए, अगर आपने रूल ब्रेक कर दिया तो वो लोग आके फटाफट संभाल लेंगे चीज़ को, क्लियर। उनका काम ही है रिस्क को मैनेज करना आने से पहले, उसके लिए तो कहावत है प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, क्लियर। एंड लास्ट वन इज क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द रिस्क विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये भी आपका काम है कि जब भी रिस्क आ रहा है ना, आप लोगों को अवेयर कर दीजिए, टॉप लेवल को बता दीजिए। टॉप लेवल को तो आपको बताना ही है, सिर्फ उनको नहीं, अपने कंपनी के हर एक एम्प्लॉयज़ को बताइए कि भाई हमारी तरफ बहुत बड़ा एक, समझो कि मार्केट में मंदी आने वाली है, मतलब सामान बिकेगा नहीं आपका, तो बींग अ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी आप सभी को बताइए कि आज अच्छे से काम नहीं करेंगे ना, हम लोग सब मिलके नहीं करेंगे ना, तो ये मंदी हमें खा जाएगी, हमारी कंपनी को खा जाएगी, आपकी नौकरियां खा जाएगी, हमारा प्रॉफिट ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ रस्ते पे आ जाएगा, तो सब जाग जाएंगे और मेहनत करेंगे और हम सब उसके सामने लड़ेंगे, उस मंदी के सामने लड़ेंगे, और हमारी कंपनी टिकी हुई रहेगी, वहाँ पे डट के खड़े रहेंगे हम। तो ये काम उनका है, लोगों को अवेयर करिए, जितने भी लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कि हमारी तरफ रिस्क आ रहा है बी अवेयर, हमारे तरफ रिस्क आ रहा है बी अवेयर, क्लियर, ये काम आपका है। तो दीज ऑल आर द सर्टन स्कोप्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, क्लियर। ये सब चीज़ों के ऊपर आपको खास ध्यान देना है, यहाँ तक आपको पहुँचना है, स्कोप, क्लियर। 7 मार्क्स क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, बहुत बार पूछा गया है पीजी कोर्सेज में, तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, एज यूजुअल सबसे पहले आप क्या करिए, रिस्क मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिख दीजिए, सॉरी रिस्क की डेफिनेशन लिख दीजिए, उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिख दीजिए, उसके बाद बॉक्स बनाइए, बॉक्स का हेडिंग डालिए स्कोप ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, उसके अंदर सारे स्कोप लिख दीजिए, मतलब एक पेज आपका हो गया डेफिनेशन और पॉइंट मिला के, फिर उसके बाद ये 9 पॉइंट जो है सबके बारे में 3-3, 4-4 लाइन एक्सप्लेन करिए, जैसे मैंने आपको हर एक पॉइंट एक्सप्लेन किया है, और ऐसा नहीं बुक का लैंग्वेज अट्टा मारो, आप अपनी लैंग्वेज यूज़ करिए, आप जितना अच्छे से पॉइंट समझा पाओगे एग्जामिनर को उतना अच्छा है, आप खुद अपने आप में एक बुक हो, आपको बुक की ज़रूरत नहीं इफ़ यू हैव नॉलेज, क्लियर। एक बार आप कंसेप्ट समझ गए ना उस चीज़ का, या आपको नॉलेज हो गया उस चीज़ का,
फिर आप अपनी लैंग्वेज में भी आंसर बना पाओगे। ठीक है, तो आप लिखिए आराम से, सबके बारे में तीन तीन चार चार लाइन लिखोगे तो भी तीन पेज जितना आंसर आराम से हो जाएगा, एंड दैट इज़ इनफ फॉर 7 मार्क्स। क्लियर, एक अच्छी क्वांटिटी और क्वालिटी, और तीन से ज़्यादा जाता है तो और भी अच्छा है, 3, 3.5 पेज तक पहुँचता है तो वेरी वेल। क्लियर, तो आप जितना अच्छे से प्रेजेंट करोगे बेटर। और जहाँ तक बात है डेफिनेशन की, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डेफिनेशन डिस्कस की है। क्लियर, ये सारे टॉपिक समझने के लिए आपको पहले उसके आगे के पार्ट को देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें हमने बेसिक को काफ़ी डिटेल में समझा है। क्लियर, तो वो आप जितना अच्छे से समझोगे ये चीज़ आपके लिए और अच्छी होगी। तो आई होप सो यहाँ तक बेटा आपको जितने भी क्वेश्चन किए समझ में आए होंगे, ना आए हो तो आप कमेंट करिए तो रिप्लाई कर दूंगा मैं। चलिए बेटा, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, दैट इज द प्रोसेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन इन मैनी पीजी एग्जाम्स एज वेल एज प्रोफेशनल एग्जाम्स। सो जनरली 7 मार्क्स का क्वेश्चन ये प्रीफर कर सकते हैं, या तो 6 मार्क्स और शॉर्ट नोट आए तो 4 मार्क्स। इट डिपेंड्स अपॉन योर एग्जाम कि भाई कौन सा वेटेज है आपका इस क्वेश्चन का। एज सच पी जी लेवल कंसर्न 7 मार्क्स क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। क्लियर, कि भाई जो आप समझो कि आप कोई कमिटी में बैठे हो जहाँ पे आपको रिस्क को मैनेज करना है, तो आप कौन से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हो। क्लियर, समझिए समझिए कि आप मैं हम लोग 10-15 जन हैं एक कमिटी में, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, हमें कंपनी के ऊपर रिस्क आने देना नहीं है, तो हम क्या करते हैं। सबसे पहला होता है पॉइंट नंबर 1 इज प्लानिंग ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। सबसे पहले तो हमें प्लानिंग के साथ चलना है, हमें खुद प्लानिंग करना है। हम बैठ के डिस्कस करेंगे कि रिस्क कहाँ से आ सकता है, कैसे आ सकता है, क्या हमें इतने स्टाफ की ज़रूरत है, हमारी टीम में टोटल 10-15 जन है, क्या उतने लोग हमें चाहिए, क्या हमारी कंपनी को हमारी ज़रूरत है, कितना बड़ा रिस्क हम पे आ सकता है, क्या हम रिस्क करने के लिए कैपेबल है, ये सब कुछ आप सोचिए और फिर उस हिसाब से सारा प्लान करिए। सबसे पहले आप खुद रेडी हो जाइए उस चीज़ के लिए। क्लियर, कि भाई फिर आप सोचिए कि भाई जो भी रिस्क हमारी तरफ आएगा वो कितना इफ़ेक्टिव होगा, कितना एडवर्सली हमें अफेक्ट करेगा, हमें या हमारे इन्वेस्टर्स को या हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो कितना उसको इफ़ेक्ट करेगा, उनके इंटरेस्ट को इफ़ेक्ट करेगा। अगर कोई रिस्क हमारी तरफ आता है तो हम उसको कैसे मेजर करेंगे। क्लियर, कितने ग्रुप में हम काम करेंगे, ये सब कुछ हमारे माइंड में ये सारे क्वेश्चन आने चाहिए जब हम रिस्क मैनेजमेंट की शुरुआत कर रहे हैं। और फिर वो सारे क्वेश्चन के आंसर भी हमारे पास होने चाहिए, क्योंकि कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले खुद के प्रॉब्लम भी तो सॉल्व करो, अंदर अंदर के प्लान करो अच्छे से कि कुछ आया तो हम कैसे रेडी है, छोटे रिस्क आएंगे तो कौन जाएगा लड़ने के लिए, बड़ा रिस्क आएगा तो पूरी टीम कैसे काम करेगी, ये सब कुछ। सीनियोरिटी अंदर ग्रुप में भी, उसमें भी 10-15 जन है तो उसमें भी सीनियर जूनियर हो गए, ये सब कुछ आप बैठ के पूरा प्लान करिए कि इस तरीके का रिस्क आया तो ये लोग करेंगे संभालेंगे, मिस्टर ए और मिस्टर बी, कोई टेक्निकल रिस्क आया तो मिस्टर सी और मिस्टर डी, ये सब डिवाइड करिए। अपने काम आप जितने डाइवर्सिफाई करोगे उतना रिस्क के सामने लड़ना आसान हो जाएगा। क्लियर, प्रॉपर प्लानिंग के साथ। चलिए, आपकी कमेटी प्रॉपरली रेडी है कोई भी मुसीबत आए उसके लिए। अब आप बैठे हो तो आपको क्या सोचना है, मुसीबत कहाँ से आएगी, दैट इज स्टेप नंबर 2, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क। भाई आपको रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, मतलब कि कहाँ कहाँ से रिस्क आ सकते हैं, कौन से रिस्क आ सकते हैं। अब जहाँ तक पॉइंट स्टेप 2 की बात है उसके अंदर बहुत सारे सब पॉइंट्स हैं। क्लियर, कि जैसे कि यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेप क्या था, प्लानिंग ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, वो तो हमने कर दिया, वी आर रेडी फॉर रिस्क मैनेजमेंट। फिर हमारा सेकेंड स्टेप आया आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क, जिसके अंदर 6 सब पॉइंट है। क्लियर, कि भाई आइडेंटिफाई कैसे करना है, तो आइडेंटिफाई करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। सबसे पहला है सोर्स एनालिसिस। क्लियर, सबसे अच्छा तरीका और ट्रेडिशनल तरीका रिस्क को आइडेंटिफाई करने का कि रिस्क आया कहाँ से, इसका सोर्स क्या है। क्लियर, वो एक्सटर्नल रिस्क है कि इंटरनल रिस्क है, इंटरनल रिस्क कहाँ कहाँ से आया होगा, आपकी एम्प्लॉय ने कोई गलती कर दी, या आपके मैनेजमेंट ने कोई गलत डिसीजन ले लिया, या आपके शेयर होल्डर्स ने कोई गलती कर दी है, दीज ऑल आर द इंटरनल रिस्क। जो आपके कंपनी के अंदर के लोग हैं उनकी वजह से कोई रिस्क जनरेट हुआ है, तो दैट इज़ इंटरनल। और एक्सटर्नल मतलब कोई बाहर का फैक्टर काम करके चला गया, लीगल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, क्लियर, ऐसा कोई भी, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल, कोई भी,
या नेचुरल कोई कैलामिटी आ गई, दिस ऑल आर द एक्सटर्नल रिस्क। तो जब आप आइडेंटिफाई करते करने बैठे हो रिस्क को, ले कि कहाँ से रिस्क आ सकता है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सोर्स एनालिसिस करना है कि ज़्यादातर रिस्क दो जगह से आते हैं, या तो वो ज़्यादातर क्या वहाँ से ही आते हैं, या तो वो इंटरनली जनरेट होगा या तो वो एक्सटर्नली जनरेट होगा। इंटरनल जनरेट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि हम ज़्यादातर अपनों से ही लड़ते हैं, क्लियर, बाहर वालों से ज़्यादा, क्लियर। तो इंटरनल रिस्क के चांसेस हमेशा ज़्यादा होते हैं कोई भी कंपनी हो, क्योंकि अंदर अंदर बहुत सारे लोग लड़े हुए होते हैं, क्लियर, ह्यूमन नेचर में आता है ये सब। तो आपको सोर्स के लिए रेडी रहना है, क्लियर, ये सब आपको नॉलेज होना चाहिए। जब आप रिस्क आइडेंटिफाई कर रहे हो आपको सोर्स एनालिसिस करना आना चाहिए। चलिए, आपने सोर्स आइडेंटिफाई किया, दूसरी भी तरीका है प्रॉब्लम एनालिसिस। आप प्रॉब्लम एनालिसिस मेथड भी यूज़ कर सकते हो कि भाई इस देखिए कोई भी रिस्क आता है ना तो उसके पीछे कोई कारण होगा, बोलो ना। आज दो जन लड़ रहे हैं तो दो जन ऐसे ही नहीं लड़ रहे, उसके पीछे कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, क्लियर। अगर वो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए तो दोनों जन लड़ना बंद कर देंगे। तो ये भी एक अच्छा तरीका है रिस्क के सामने लड़ने का। क्या तरीका है कि भाई आप प्रॉब्लम एनालिसिस करो, आप रिस्क का सोर्स मत देखो, आप उस सोर्स का प्रॉब्लम देखो। अगर हो सके तो वो प्रॉब्लम ही खत्म कर दो, क्लियर। समझो कि दो एम्प्लॉय लड़ रहे हैं, सीनियर जूनियर है दोनों, उसके वजह से तो लड़ने का क्यों हुआ, क्योंकि एक खुद को सीनियर समझ रहा है और जूनियर जो मानने को तैयार नहीं वो सीनियर है, उससे अच्छा मैं काम करता हूँ, ये चीज़ पे लड़ना हुआ है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो उसके पीछे का रीज़न हमें पता चला, ये सीनियर जूनियर की मगजमारी है, तो आपने क्या कर दिया, दोनों को इक्विवेलेंट पोजीशन दे दी, जाओ ना कोई सीनियर ना कोई जूनियर, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व, बात खत्म। या तो डिपार्टमेंट ही बदल दो एक का, किसी एक को ट्रांसफ़र कर दो दूसरे डिपार्टमेंट में, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व, क्लियर। तो आप प्रॉब्लम उसको जड़ मूड से ही काट दो, तो ये भी एक तरीका है। आप सोर्स फाइंड एनालिसिस करने से अच्छा आप प्रॉब्लम एनालिसिस करिए, क्लियर। देखिए रिस्क को आइडेंटिफाई करने के बहुत अलग अलग तरीके हैं, कुछ लोग सोर्स पकड़ते हैं फिर सोर्स से प्रॉब्लम पे जाते हैं फिर सॉल्व करते हैं, कुछ लोग सीधा प्रॉब्लम पे चले जाते हैं तो फाइंड कर दिया उसने, क्लियर। तो आइडेंटिफाई, आप रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं, सोर्स एनालिसिस करके भी, प्रॉब्लम एनालिसिस करके भी, या तीसरा तरीका है ऑब्जेक्टिव बेस्ड रिस्क एनालिसिस। अब कभी कभी जो शॉर्ट टर्म रिस्क होते हैं वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं, मतलब जैसे कि हम हर हर कंपनी का एक ऑब्जेक्ट होता है कि मुझे ये टारगेट अचीव करना है, इतना मुझे प्रॉफिट करना है, आज के दिन में मेरी 100 बॉटल बिकनी चाहिए, मतलब 100 प्रोडक्शन होना चाहिए। अब एम्प्लॉय लड़ रहे हैं उसके वजह से प्रोडक्शन अटका पड़ा है, एम्प्लॉय सारे स्ट्राइक पे चले गए कि हम नहीं बनाएंगे हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे, उन्होंने 70 बॉटल या 60 बॉटल बनाई और बाकी छोड़ दी, अब 40 बॉटल बननी बाकी रह गई, आपका टारगेट कहाँ अचीव हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ऐसे रिस्क को कहते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड रिस्क एनालिसिस। आप लड़ो, हमें रिस्क से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो रिस्क हमारे ऑब्जेक्ट को असर कर रहा है तो फिर हमें इसे क्या नाम देंगे, ऐसे रिस्क को हम नाम देंगे ऑब्जेक्टिव बेस्ड रिस्क एनालिसिस, क्लियर। मैनेजमेंट उस रिस्क का नाम क्या रख देगी, ऑब्जेक्टिव बेस्ड रिस्क एनालिसिस, कि इसको सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि सीधा हमारे ऑब्जेक्टिव को असर कर रहा है। कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो प्रॉफिट कहाँ से होगा, वेल्थ कहाँ से बढ़ेगी, कुछ नहीं होगा, मतलब ये बहुत ही खराब तरीके से हमारे ऑब्जेक्ट को अफेक्ट कर रहा है। तो ये होता है ऑब्जेक्टिव बेस्ड रिस्क एनालिसिस। देन आफ्टर सिनारियो बेस्ड रिस्क आइडेंटिफिकेशन, बराबर, ये भी एक तरीका है कि भाई आप क्या करिए, सिनारियो को आप देखिए कि सिनारियो क्या है, करंट सिनारियो, क्लियर, कि भाई जैसे कि फॉर एन एग्जांपल कस्टमर ने हमारा एक प्रोडक्ट खरीदने बंद कर दिए अचानक से, तो ये भी तो एक रिस्क है। अब ये क्यों हुआ, कोई ना कोई मार्केट में सिचुएशन आई होगी, कोई सिचुएशन बेस्ड होगा ये, क्लियर, सिनारियो बेस्ड होगा, क्या पता उन्हें हमारा टेस्ट अच्छा नहीं लगने लगा, या तो कोई कॉम्पिटिटर आ चुका है मार्केट में इससे अच्छे टेस्ट वाला, हमारा प्रोडक्ट उनको अच्छा नहीं लग रहा है, क्लियर, हमारा पूरा मार्केट फोर्स जो है वो वीक हो चुका है। तो ऐसे रिस्क को हम कहते हैं सिनारियो बेस्ड। देखिए पार्ले जी के साथ भी यही हुआ, एक टाइम था जब पार्ले जी की एक छोटी सी चॉकलेट आती थी किसमी, इतना उसका बड़ा मार्केट था, तब कोई चॉकलेट ही नहीं थी मार्केट में, फिर ये डेरी मिल्क एंटर हुए, पर्क एंटर हुआ, बहुत सारी वेराइटीज़, नंबर्स ऑफ चॉकलेट आ गए और अलग अलग फ्लेवर के साथ आए, जबकि किसमी स्टैंडर्ड वही, आज भी उसका वही चॉकलेट बिकता है,
कहने का मतलब ये है कि आपके कस्टमर चेंज हुए, सिनारियो पूरा चेंज हो चुका है, मार्केट का सिनारियो, लोगों की फैशन बदल गई, टेस्ट बदल गए, तो आप भी उसके साथ बदलिए। तो ऐसे रिस्क को हम क्या नाम देंगे, सिनारियो बेस्ड रिस्क आइडेंटिफिकेशन या तो एनालिसिस। क्लियर? देखिए रिस्क अलग अलग तरीके के होते हैं, आप जब आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना तो रिस्क कौन से तरीके का है वो भी आइडेंटिफाई करिए। वो सोर्स एनालिस बेस्ड रिस्क है, प्रॉब्लम एनालिस बेस्ड रिस्क है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड रिस्क है एनालिसिस है, सिनारियो बेस्ड रिस्क है, कौन सा रिस्क है ये। देन आफ्टर कॉमन रिस्क चॉकिंग, सॉरी यहाँ पे भूल थी, चॉकिंग हो गया, चेकिंग आएगा, कॉमन रिस्क चेकिंग। मतलब कॉमन रिस्क यानी क्या, कुछ रिस्क फिक्स होते हैं, जैसे कि आप राजस्थान में फैक्ट्री लगाओगे तो वहाँ पे पानी की तकलीफ होगी ही होगी, क्लियर, क्योंकि वो पानी उतना वहाँ पे ज़्यादा नहीं मिलता है। आप कच्छ में या भुज में लगाओगे, मतलब नियर बाय आप डेजर्ट अपना प्लांट करते हो एस्टाब्लिश, तो वहाँ कहाँ से पानी की सप्लाई होगी, वो वहाँ की बात हुई। जनरली दूसरे इलाके में जाओ, समझो आप कोई आउटर एरिया में फैक्ट्री डालते हो तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से होगी, आएगी जाएगी, फैक्ट्री कब चलेगी। तो कुछ रिस्क जो होते हैं ना फिक्स होते हैं, क्लियर। आप कोई पर्टिकुलर जैसे कि अंकलेश्वर की बात करते हैं, आप अंकलेश्वर चले जाओ तो वो केमिकल फैक्ट्री है पूरी, मतलब वहाँ पे बहुत सारी केमिकल बेस्ड फैक्ट्रियाँ देखने मिलती है आपको, बहुत सारे केमिकल बाहर निकलते हैं। अब ऐसी जगह पे आप अपनी रिटेल शॉप डालोगे जल फैक्ट्रियों के बीच में, तो चलने के चांसेस बहुत कम है, क्लियर। ये रिस्क है आपके, ये तो मैंने जस्ट एक दुकान का तो एग्जाम्पल दिया, लेकिन आप समझिए आपके साथ 10-15 फैक्ट्रियाँ और हैं, सब एक जैसा ही काम करते हो आप, बरोबर प्रोडक्शन करते हो। वहाँ पे तकलीफ क्या है कि हफ्ते में 2 बार लाइट चली जाती है, वहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, मतलब कंपनियों को उतना सपोर्ट नहीं करती वो गवर्नमेंट। अब क्या आप इसको कुछ कर पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम बातचीत कर पाएंगे कि भाई हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करो, रूल्स थोड़े लिबरल करो ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। और ये सिर्फ आपको प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी इंडस्ट्री को प्रॉब्लम है, सिर्फ एक फर्म को प्रॉब्लम नहीं है, होल इंडस्ट्री सफरिंग फ्रॉम द सेम प्रॉब्लम। तो ऐसे रिस्क को हम कहते हैं कॉमन रिस्क, ये सब कॉमन रिस्क है कि भाई हर किसी को, सिर्फ मुझे नहीं, सभी को वो रिस्क है। ये हमारे यहाँ पे बिजली चली जाती है तो हमें तकलीफ होती है, लेकिन हम बाजू वाले का देखते हैं कि उसकी यहाँ भी लाइट नहीं है तो हमें शांति होती है, ये जबकि दोनों को तकलीफ होनी चाहिए। बस ऐसा ही कुछ है कि कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपको अफेक्ट नहीं करते, वो सबको अफेक्ट करेंगे और आप उसको रोक भी नहीं पाओगे। तो ऐसे रिस्क को कहते हैं कॉमन रिस्क, जैसे कि बारिश के मौसम में होता है, जब बारिश होती है बहुत ज़्यादा तो बाढ़ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और आपके किनारे नदी के दरिए के किनारे पे, समंदर के किनारे पे आपने फैक्ट्री डाली है और आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, तो जब बाढ़ आएगी तो आपको ही नहीं सबको तकलीफ होगी। आपने कोई ऐसे एरिया में अपना प्लांट डाला है जहाँ पे अर्थक्वेक आते रहते हैं बार बार, और आपके साथ और भी बहुत सारी कंपनियाँ वहाँ पर, तो जब अर्थक्वेक आएगा तो सिर्फ आपकी कंपनी बंद नहीं होगी, सभी बंद हो गए। ये तो कहने का मतलब ये है, ऐसे रिस्क को हम कहते हैं कॉमन रिस्क। देन आफ्टर टैक्सोनॉमी बेस्ड रिस्क आइडेंटिफिकेशन। अब यहाँ पे क्या होता है टैक्सोनॉमी रिस्क बेस्ड आइडेंटिफिकेशन में, कि भाई इन दिस मेथड पॉसिबल मेन सोर्स ऑफ रिस्क आर सिस्टमेटिकली क्लासिफाइड। मतलब हम लोग सिस्टमेटिकली हर एक रिस्क को क्लासीफाई करते हैं, कौन सा बड़ा रिस्क है, कौन सा छोटा रिस्क है, कौन इजीली सॉल्व हो जाएगा, किसको ज़्यादा टाइम लगेगा, किसके पीछे कितना खर्च होगा, हम उसके साइज उसके मैटर के हिसाब से उसको आइडेंटिफाई करते हैं, क्लियर। इसे कहते हैं टैक्सोनॉमी बेस्ड रिस्क आइडेंटिफिकेशन। तो देखिए बींग अ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, अगर हम लोग सब एक रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्लानिंग करना है, पहले तो खुद को ही प्लान करना है हमें कि कैसे रिस्क के सामने लड़ना है। फिर बात आती है आइडेंटिफिकेशन की, कि रिस्क को आइडेंटिफाई कैसे करें, कौन सा रिस्क कैसा है। तो जनरली रिस्क 6 तरीके के हो सकते हैं, फिर आइडेंटिफाई करने के तरीके 6 है, या तो सोर्स बेस्ड रिस्क होगा, या तो प्रॉब्लम बेस्ड रिस्क होगा, या तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड रिस्क होगा, या तो सिनारियो बेस्ड रिस्क होगा, या तो फिर वो कॉमन रिस्क ही होगा जो सबको आता है, या तो फिर वो टैक्सोनॉमी रिस्क होगा। लेकिन ये 6 में से एक रिस्क होगा, तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए वो रिस्क कौन से तरीके का है, क्योंकि जिस तरीके का वो रिस्क होगा उसका सॉल्यूशन भी फिर वैसा ही होगा। चलिए आपने रिस्क आइडेंटिफाई कर दिया, तो उसके बाद हम पढ़ते हैं स्टेप नंबर 3।
तो बेटा थर्ड पॉइंट क्या कहता है, क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस। प्लानिंग हो गया, रिस्क को हमने आइडेंटिफाई कर दिया। अब जनरली रिस्क जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। यहाँ पे थर्ड और फोर्थ स्टेप में दोनों साथ में आपको समझा दूंगा, क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस। देखिए, जो भी रिस्क आपकी तरफ आया उसको आपने आइडेंटिफाई तो कर दिया, अब वो रिस्क है ना आपको दो तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, या तो वो क्वालिटेटिव इफेक्ट करेगा या तो वो क्वांटिटेटिव इफेक्ट करेगा। क्वालिटेटिव यानी क्या, वो रिस्क आया आपको असर भी करेगा लेकिन आपको कोई फिनेंशियल लॉस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप तैयार थे उस चीज़ के लिए, आपने उसके सारे रास्ते ढूंढ लिए थे, लेकिन आप मेंटली कितने थक गए, बराबर ना। आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, बराबर, हर ज़रूरी नहीं हर एक प्रॉब्लम पैसों की ही हो, कोई दूसरी पर्सनल प्रॉब्लम भी तो होती है, लेकिन उससे आपका मेंटल पावर कितना थक जाता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी बदल जाती है, हम दो तीन दिन के लिए शांत हो जाते हैं, कितना मेंटली हम थक जाते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को हम कहते हैं क्वालिटेटिव रिस्क, ऐसे रिस्क को हम कहते हैं क्वालिटेटिव रिस्क, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते कभी, क्लियर। उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि उसकी इफेक्ट क्या है, लेकिन उसको कभी मेजर किया जा सकता नहीं है। कि कभी ऐसा कभी सुना है, मुझे आज 100 रुपये का टेंशन है, आज मुझे 50,000 का टेंशन है, नहीं होता, क्लियर। टेंशन को कभी आप मेजर नहीं कर सकते, टेंशन मतलब आपकी लाइफ का, आपको कितना अच्छा समय आपका खराब हो रहा है। तो कंपनी के ऊपर भी यही है, कोई भी रिस्क आ रहा है उनकी तरफ, वो लड़ने के लिए तैयार है, वो लड़ भी लेंगे। उनको लग रहा है कि ये जो रिस्क आ रहा है वो हमें 1 लाख का नुकसान करा सकता है, हम लड़ेंगे और वो 1 लाख का नुकसान हमें नहीं होने देंगे, और होगा भी नहीं अगर अच्छे से आप रिस्क मैनेजमेंट करोगे। आपने ख़त्म कर दिया रिस्क को आने से पहले ही, ठीक है, लेकिन लड़ते लड़ते आप कितना थक गए, दिन रात आपने मेहनत की होगी वो रिस्क हम तक ना पहुँचे उसका। तो ये जो आपको नुकसान हुआ, इतना सारा मेंटल नुकसान हुआ है, क्लियर, आप ब्रेन पावर आपका कितना यूज़ हुआ, आपका समय कितना यूज़ हुआ, आपकी बॉडी कितनी यूज़ हुई उसके पीछे, ये सब तो हमने कभी मेजर ही नहीं किया, क्लियर। तो ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस। कुछ रिस्क पैसों से नुकसान नहीं करते, कुछ रिस्क हमें अंदर से तोड़ देते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है क्वांटिटेटिव रिस्क। अब आप समझ गए होंगे कि ये फिनेंशियल रिस्क है, कोई भी रिस्क हमारे तरफ आया वो रिस्क बहुत ख़राब तरीके से असर करके गया हमें, 1 लाख का नुकसान हुआ, 2 लाख का हुआ, 5 लाख का हुआ। अब इसको है ना दोनों को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। क्वालिटेटिव रिस्क, समझो मार्केट में कॉम्पिटिटर आ गए या गवर्नमेंट चेंज हो गई, दीज ऑल आर द क्वालिटेटिव रिस्क। क्यों? कॉम्पिटिटर आए लेकिन हम हमारा प्रोडक्ट अच्छा रखेंगे तो कौन सा हमें रिस्क है, गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दिया हम उस हिसाब से चलेंगे, थोड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज है, हमें थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा कि कोई रूल ब्रेक ना हो जाए, और हम करेंगे भी नहीं, लेकिन हमारे भी टेंशन कितना बढ़ गया, क्या रूल ब्रेक हो गया तो, रूल ब्रेक हो गया तो, रूल ब्रेक हो गया तो, क्लियर, हम ऐसा ही सोचता रहेंगे कोई भी काम करेगा, अरे यार रूल ब्रेक हो गया तो ये क्या है, क्वालिटेटिव रिस्क है। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव रिस्क की। आपकी मशीन ख़राब हो गई, 10 दिन से प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, एक तो मशीन करने का खर्चा अलग, प्लस हमारा प्रोडक्शन नहीं हुआ मतलब हमारे कस्टमर उतने कम हो रहे दिन ब दिन, क्योंकि हम उनकी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो दिस इज क्वांटिटेटिव रिस्क। कभी कभी तो दोनों रिस्क साथ में आ जाते हैं, समझो कि अर्थक्वेक आ गया, फैक्ट्री तो बंद हुई हुई और बहुत सारा नुकसान भी हो गया, मतलब पैसों का तो नुकसान हुआ, मेंटली आप भी टेंशन में आ गया, ये अर्थक्वेक क्यों आया, पूरी कंपनी को बर्बाद कर दिया। कोरोना में यही तो हुआ, लोगों को क्वांटिटेटिव रिस्क भी आया और क्वालिटेटिव रिस्क भी आया। तो ये चीज़ है, ज़रूरी नहीं है कि दोनों अलग अलग समय पर आए, दोनों साथ में भी आ सकते हैं, क्लियर। छोटे छोटे जो रिस्क होते ना जनरली वो क्वालिटेटिव होते हैं, छोटे रिस्क जो होते हैं, क्योंकि उसमें पैसा मैटर नहीं करता, उसमें टेंशन मैटर करता है। और जो बड़े रिस्क होते हैं करोड़ों के लाखों के, अगर बड़ा रिस्क होता है तो क्वांटिटेटिव होता है जनरली, क्लियर। जनरली मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सारे छोटे रिस्क क्वालिटेटिव होते हैं, जनरली छोटे छोटे रिस्क जो होते हैं वो क्वालिटेटिव होते हैं, क्योंकि उसमें नुकसान हो के 500,000 रुपये का होगा और कंपनी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस उसको टेंशन ज़्यादा होगा, क्लियर, कि भाई इतना काम करने का ऐसा। तो आपने सबसे पहले प्लानिंग किया, फिर रिस्क को समझा, फिर वो रिस्क कौन सी इफेक्ट दे रहा है उसको समझा कि वो क्वालिटेटिव इफेक्ट कर रहा है कि क्वांटिटेटिव इफेक्ट कर रहा है। अब जैसा रिस्क अगर वो क्वालिटेटिव रहे तो आप उस हिसाब से उसको सॉल्व करिए, अगर वो क्वांटिटेटिव रिस्क है तो आप उसका अपना रास्ता निकालिए। और वो रास्ता कहाँ पे निकलता है, स्टेप नंबर 5, रिस्क रिस्पॉन्स प्लानिंग और प्लान फॉर एक्शन। अब आप एक्शन प्लान बनाइए,
आपने सब कुछ जान लिया है, रिस्क के बारे में एक एक माइनर डिटेल आपने कलेक्ट कर दी है, आपको पता चल गया है कि ये क्वालिटेटिव रिस्क है कि क्वांटिटेटिव है, कि दोनों साथ में है, उस हिसाब से आप अपने एक्शन प्लान प्रिपेयर करिए। और सिर्फ एक प्लान मत बनाइए, बहुत सारे अल्टरनेटिव प्लान बनाइए, प्लान 1, 2, 3, 4, फिर टॉप लेवल के साथ उसको डिस्कस करिए। जो अच्छा प्लान हो उसको आप इम्प्लीमेंट करने की तैयारी करिए, क्लियर। अगर ए प्लान नहीं चला तो बी चलाएंगे, क्लियर। सब कुछ बैकअप भी रेडी रखिए अपना। अब आपको रिस्पॉन्स देना है उस रिस्क के सामने, कैसे भी करके वो रिस्क खत्म करना है, कोई भी रिस्क क्यों ना हो, क्वालिटेटिव हो क्वांटिटेटिव हो। अब आप तैयार हो, लड़ने बैठ गए, पॉलिसी को आपने इम्प्लीमेंट भी कर दिया, आपने रिस्क को रिस्पॉन्स भी कर दिया। अब आपको क्या करना है, आखिरी स्टेप आपका रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। अब जो आप कर रहे हो ना रिस्क मैनेजमेंट की एक्टिविटी, क्योंकि आपने स्ट्रेटेजी बना के इम्प्लीमेंट कर दी, अब वो आपको उसके ऊपर ध्यान देना है कि क्या मेरा स्टाफ इम्प्लीमेंट कर रहा है, क्लियर, कर रहा है तो कैसे कर रहा है, फिर उनका फीडबैक भी लेने का कि क्या आया आज के दिन का रिजल्ट, कब रिस्क खत्म होगा, सब कुछ डेटा भी मेंटेन करने का, रिकॉर्ड भी मेंटेन करने के, क्योंकि आगे काम आएंगे वो, क्लियर। पूरा फीडबैक के साथ चलने का, फीडबैक एंड रिकॉर्ड ये दोनों आपको मेंटेन रखने, और साथ में सुपरविजन भी करना है कि रिस्क मैनेजमेंट बंद नहीं होना चाहिए, इट इज़ अ कंटिन्यूस एक्टिविटी, क्लियर। तो मॉनिटरिंग कंटिन्यूसली चलनी चाहिए और प्रॉपर कंट्रोलिंग के साथ, और रिस्क खत्म हो जाएगा। फिर एक रिस्क आएगा, सेम प्रोसेस, फिर एक रिस्क आएगा, सेम प्रोसेस, सभी रिस्क को इसी स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया जाता है, क्लियर। तो ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन था बेटा, ध्यान से आप उसको समझिए अच्छे से। अब इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले आप क्या करिए, रिस्क की डेफिनेशन लिख दीजिए, उसके बाद पॉइंट नंबर 2 रिस्क मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिख दीजिए, आधा पेज हो गया आपका। उसके बाद आप प्रोसेस को ड्रॉ करिए, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, क्लियर। आप इसमें ना आइडेंटिफिकेशन मैंने ऐसे ही लिखा है, आप उसके अंदर सब पॉइंट भी लिख सकते हो उस बॉक्स के अंदर, क्लियर। यहाँ पे तो मुझे क्या था कि एक स्लाइड में दिखाने के लिए उतनी जगह नहीं थी, क्लियर, तो मैंने जो मेन पॉइंट है वो एक स्लाइड में लिए, फिर सब पॉइंट दूसरी स्लाइड में लिए। आप जब एग्जाम में लिखो तो क्या करना, प्लानिंग वाला पॉइंट लिख दिया, फिर आइडेंटिफिकेशन वाला बॉक्स बनाया, उसके अंदर ही सब पॉइंट लिख दीजिए। प्रोसेस काफ़ी लंबी ड्रॉ होगी, क्लियर। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में ड्रॉ की है, फिर मैंने सब पॉइंट अलग से एक्सप्लेन किया है, तो आप ऐसा मत करिए, आप पॉइंट उसी के अंदर रखिए। तो आपका ऊपर का आधा पेज डेफिनेशन में चला गया, आधा पेज आपका प्रोसेस ड्रॉ करोगे उसमें चला जाएगा, फिर आप हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करिए, सब पॉइंट को भी एक्सप्लेन करिए, क्लियर। आराम से आपका आंसर 3-3.5 पेज जितना हो जाएगा, क्लियर। तो प्रोसेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप सो यहाँ तक बेटा आपको क्लियर हुआ होगा, क्लियर। जितने भी 4 क्वेश्चन किए हमने, आई होप सो क्लियर है आपको, क्लियर। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ एज यूजुअल सब्सक्राइब करिए।